एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित कलंदर गढ़ी गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने मदन लाल को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 2867 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 629 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 163 बच्चे अध्ययनरत है। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 41 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 नल रिवॉल्व कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 52 विद्युत पोल, 2 ट्रांसफार्मर व 16 लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 14 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पानी की टंकी व प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 इज्जत घर व एक लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास, शमशान घाट व कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसमें मैंने अब तक जो अपने गांव में जो कार्य कराए हैं, इंटरलॉकिंग जो खरंजे हैं वो करीब करीब 14 गलियों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक थोड़ी सी नाली है जो कि 40 मीटर के आसपास है, वो करा दी है। गांव में फिलहाल शौचालयों का काम चल रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, 25 कम्प्लीट है, बाकी पर 2600 का काम चल रहा है। और हमारे गांव कलंदरगढ़ी में विधवाओं की, वृद्धाओं की और विकलांग पेंशन कट चुकी है जो अति जरूरी है, बनी ये बनवाई जाए। दूसरा, कुछ काम हमारे इतने अपूर्ण पड़े हुए हैं जो कि उनको करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक मंदिर वाला रास्ता जो बहुत ही ख़राब है, ज़्यादा लोग जिनमें पड़ रहे हैं, लेकिन पेट कमाने पर मैं कार्य नहीं करा पा रहा। मेरा एक प्राइमरी स्कूल है जिसकी बाउंड्री वॉल भी करनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर लोग आए दिन जुआ बुआ खेलते हैं, ताले भी तोड़ देते हैं, बाउंड्री वॉल ना होने पर वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक हमारे यहाँ नाली है जो कि कम से कम 500-550 मीटर के आसपास है, जिन बस्ती में नाली बनानी है उन बस्ती वालों का पानी लोगों खेतों में जाता है, जिन लोग अति परेशान हैं, खेत वाले आए दिन उनको तंग करते रहते हैं, पानी बंद कर दो घर में रुक जाता है, नाली बहुत ज़रूरी है। कई हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर रास्ता भी जाना अनिवार्य है, लोग जाते हैं गिरते पड़ते हैं, रास्ता नहीं है। एक हमारा 7 बीघे के आसपास का हमारे ये शमशान भूमि है जो उनका अंतिम संस्कार करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, रास्ता भी ख़राब है, उसकी बाउंड्री वॉल भी बहुत ज़रूरी है, धन के अभाव से नहीं करा पा रहे। एक हमारा कब्रिस्तान भी है 5 बीघे का, वहाँ पर भी बहुत दिक्कत है, बाउंड्री वॉल नहीं लगी हुई, जो कि वो भी लगने अति आवश्यक है। पेड़ की कमी आने से और हम इस काम करने में असमर्थ हैं। एक हमारा गांव में माजरा लगता है जाहिदपुर खुद उस मदनपुर कलंदगड़ी में लगता है, उस गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, वो पानी की निकासी नहीं है। कलंदगड़ी तो पानी अपना सही चल रहा है, लेकिन उसी गांव में पानी की हमें दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता है। यही मैं कह रहा हूँ ग्राम प्रधान कलंदगड़ी मदनलाल, ये शासन से ही सब कहने जा रहे हैं। लाइट के लिए हमको, हाँ, एक लाइट के लिए सोलर जो LED लाइट होती है, 2-4 हेडपंपों की आवश्यकता है और सूर्य लाइट,